summary. नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर. सो आज जस्ट मैं मुंबई आई हूँ. सुबह 8:30 बजे तक पहुँच गई थी मैं घर पे. उसके बाद मेरा पूरा अपना पर्सनल काम चल रहा था. अब बारी आती है घर को ग्लो अप करने की, ठीक करने की. तो वही करते हैं, वही स्टार्ट करते हैं. डेली का कुछ ना रहे, आज करके ख़त्म करते हैं. गर्मी बहुत हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है एक्चुअली यहाँ पर. कल का वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश वगैरह हो रही थी तो इतना पता नहीं चल रहा था, बट यहाँ पर अच्छी खासी लेवल की ह्यूमिडिटी हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क. आपको घर दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है बिफोर, और फिर आफ्टर दिखाऊंगी. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं घर की क्लीनिंग. तो ये बिफोर वाली हालत है. एक्चुअली मैंने काफ़ी लेट काम स्टार्ट किया है, मतलब मैं सो भी चुकी हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ, खा पी लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है जम के. विक्की अपने ऑफिस निकल गया है बिकॉज़ इस बार हम मंडे को आए थे तो उसको ऑफिस जाना था, वो ऑफिस चला गया है. और अब मैं शांति से अपनी जो डस्टिंग है वो करूँगी. मेरे अब बर्तन वर्तन सब हो गए हैं और फ्लोर की क्लीनिंग और बैल्कनी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने करवा दी है ऑलरेडी. अब बची है मेन जो डस्टिंग होती है ना, वो मैं खुद करना पसंद करती हूँ. I feel it's very therapeutic और मुझे खुद से ही डस्टिंग करना अच्छा लगता है. तो एक एक चीज़ मैं क्लीन कर रही हूँ बिकॉज डस्ट कहीं ना चिपक ही जाती है. तो जो भी मेरे फेक प्लांट्स हैं, वैसे मैंने रियल प्लांट्स ज़्यादा लगा के रखे थे बट कुछ फेक प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, तो उनको फ्लास्क को अच्छे से वॉश कर रही हूँ बिकॉज इन सब के ऊपर डस्ट अक्यूमुलेट हो जाती है. एंड सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, वाइप दे रही हूँ अच्छा सा. एंड ये देखिए, ये मुझे विक्की ने गिफ्ट किया था. इसमें मज़ेदार चीज़ है, आप इधर से देखेंगे तो विक्की दिखेगा, इधर से देखेंगे तो रुचि दिखेगा. उसने मुझे पता नहीं कहीं से बनवाया था जो बहुत दिन में बन के स्पेशल सी चीज़ आई थी ये, एंड इट्स सो क्यूट. तो मैं इसको यहीं पर रखती हूँ टीवी यूनिट के ऊपर. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me, take me back. घर की जो क्लीनिंग है, मतलब रूम की, लिविंग रूम प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है. अब फटाक से बेडरूम में ज़्यादा नहीं बचा है क्योंकि बेडरूम में ऑलरेडी जाने से पहले भी ना बहुत क्लीन करके जाती हूँ और पूरा बंद रहता है, लॉक कर देते हैं हम लोग बेडरूम को, तो वो वैसे भी उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत ही है. तो फटाक से बेडशीट चेंज करना है. बेडरूम में तो तामझाम नहीं रहता, यहाँ पर क्या थोड़ा डेकोरेट करती हूँ ना मैं, तो अच्छे से करती हूँ. सो बेडरूम फटाक से क्लीन करती हूँ, उसके बाद लंच करूँगी.
अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट ही बहुत हैवी कर लिया था और टाइम हो रहा है 1:45, तो आधे घंटे का टारगेट लेके चल रही हूँ। चलिए बेडरूम क्लीन करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ मैं सीधे शार आर लेने के बाद। ओके गाइस, तो वीडियो तो कंटिन्यू करते हैं बट उससे पहले आप लोगों के साथ में कुछ चीज शेयर करनी है मुझे। तो अभी जिस तरीके की गर्मी इतनी खतरनाक तरीके से पड़ रही है, आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा भी सनलाइट में बाहर निकलते हो या धूप में बाहर निकलते हो तो आपको थोड़ी बहुत टैनिंग भी हो ही जाती है। समझ में आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल टैनिंग हो जाना। एंड साथ ही साथ आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए रहता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्वालॉजिका के पास एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है। दिस इज देयर एक्वालॉजिका न्यू सनस्क्रीन D10 प्लस ड्यूई सनस्क्रीन। ये है D10 प्लस सनस्क्रीन, ये आपकी स्किन को सन डैमेज से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा जो टैन हो चुकी है ऑलरेडी। इट्स इन्फ्यूज्ड विद चेरी टोमेटोज एंड हाइलुरोनिक एसिड। चेरी टोमेटोज है वो विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं। ये हेल्प करता है रिस्टोर करने में आपका नेचुरल हेल्दी ग्लो। प्लस इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि ऐड करता है हाइड्रेशन को और इंप्रूव करता है आपके स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को। ये जो सनस्क्रीन है कंप्लीटली लाइटवेट, हाइड्रेटिंग, नॉन स्टिकी है एंड कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इसमें SPF 50, PA 4 टाइम्स प्लस एंड UVA UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है। ये जो सनस्क्रीन है ये कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री एंड कलर फ्री है। जो स्किन है काफी ज्यादा ग्लोइंग, सॉफ्ट एंड प्लम्प लग रही है। बहुत ही लाइट एंड नॉन स्टिकी टेक्सचर है जो कि बहुत फटाक से इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने स्किन पे कुछ भी लगाया है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट एक्वालॉजिका की वेबसाइट पर। इसके अंदर यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है जो कि मॉइस्चराइजर लॉक करता है स्किन में। तो एक्वालॉजिका इज वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड क्लीन ब्रांड। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन नायका, एमेजन एंड फ्लिपकार्ट। एक्वालॉजिका ना ही सिर्फ आपके स्किन पे जो लॉस्ट वाटर है वो लेकर के आता है बट ऑल्सो टू कम्युनिटीज इन नीड ऑफ क्लीन वॉटर। आप जब भी एक्वालॉजिका कोई प्रोडक्ट एक्वालॉजिका की वेबसाइट से परचेस कर रहे हैं यू हेल्प समवन इन नीड एक्सेस टू गेट क्लीन वॉटर। तो यस, स्टार्ट करते हैं वापस से व्लॉग। हाय गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। टाइम देखिए ऊपर कितना हो रहा है, 8 बज रही है। डिनर कर लिया है, मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए। तो यस, मैं इस टाइम पे जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, साथ में निशा भी जा रही है। हम लोग जा रहे हैं नेचर्स बास्केट। तो राशन ऐसे सब नहीं लेना वहां से, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो ऑर्गेनिक चाहिए वो वाली लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ, मेरे साथ गाड़ी से जा रही हूँ मैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी शाम को वेदर एकदम बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए गाइज, मोबाइल से ब्लॉक करूंगी फिर मैं। आ चुके हैं यहाँ पर, देखो उसका मार भी नहीं सकती, पाप गंदी। और मैं बहुत अच्छी आई हूँ, जैसे मैं बिल्कुल लिटरली लेजिट घर के कपड़ों में आई हूँ। ये बहुत गंदी औरत है, इसे दूर रहिए। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही उठ के आ गए और इतने मेरा मुंह बबूनी का भाड़ा है जो मैंने ना प्लीज कौन मिल गए। और इतना ट्रैफिक जीवन में पहली बार मैंने यहाँ स्टेट में देखा है भाई। अपना जीरा पाउडर अपन पीस से तो कैसा रहता है घर पे ना, वो अलग होता है। घी लेना है आपको? मोटे वाले रुचि अरे मैं तो देरी का भी अच्छा रहता है। भी नहीं है रुचि, मैं वो थोड़ा नेचर्स बास्केट आएगी ही लेने के लिए। मम्मी ऐसे राज खोलना नहीं चाहिए। इन्होंने ना हम लोग अरोमा खाते होंगे बहुत, तो मेरे थ्रू ये खाने लगी और इनके थ्रू आंटी खाने लगी। अब आंटी को लग गया चस्का, उनको वही खाना है तो वो सबमरीन खाने के लिए गई है। अच्छा, अगर आप लोग भी आसपास रहते ना तो अरोमा कैफे का सबमरीन सैंडविच खाना है। और हमारी कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी तो खैर वो तो टेस्टी है, वो भी तो बता हाँ, वो हो गया पास्ता हो गया। हाँ ये पास्ता भी वाइट। हम इवन आप विव्याना भी जाओ ना तो वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे भी खा सकते हो, है ना। ये तीन चीज़ वहाँ की हम खाते ही खाते हैं, अभी 2 महीने से नहीं खा रहे, गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए बाहर का अवॉइड कर रहे हैं। किधर है? तो अभी मैं आई हूँ निशा के घर पे। एक्चुअली हमको एक और जगह जाना था बट आज मैं जब जैसे मैंने बताया ना, आज मैं जब आ रही थी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैं अभी जा भी थोड़ा रुक के जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। निशा के एक और कोई फ्रेंड है, उनके पेरेंट्स मिल गए थे तो वो भी यही बता रहे थे कि उनको 1 घंटा लग गया आने। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं मेन रोड पर ट्रैफिक है, हमारे अंदर एरिया लोकल में इतना जाम लगा हुआ है कि क्या पता है। तो बस बैठे हैं अभी, चिल मार रहे हैं गाइस। तो हमारी शादी की तैयारियाँ, हमारी शादी की तैयारी। इतना सुंदर सूट लेकर के आई है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और बहुत काफी सही रेट में मिला है, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊंगी. अभी मैं थी नहीं, तो अब ये गई थी कल्टी में, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं भी इनके साथ जाऊंगी, तो तब आप लोगों को लेकर चलेंगे. इट्स गुड मॉर्निंग. सो आज है ट्यूसडे और आज मेरी आज जो रोटी वाली है वो दो दिन के लिए नहीं आई, दो से तीन दिन नहीं आएंगी. वो कहीं शादी में गई हुई है वो मुंबई में, बट आसपास कहीं गई हुई है, तो ठीक है, डरने की ज्यादा बात नहीं है. तो अभी दो तीन दिन खाना बनाना पड़ेगा, रोटी वगैरह खुद भी. सो भजन चल रहे हैं सुबह सुबह, यहाँ पर दाल हो रही है, इसका पानी अभी निकालना है मुझे. चावल मैंने रख दिए गला करके, विक्की मुझे सब्जी चॉप करके दे रहा है, आटा मैंने गूंथ के रख दिया है. बस अब तब तक मैं अपना जो ये है फ्रूट्स खाऊंगी. और कल मैं जो है नेचर्स बास्केट गई थी, वहाँ से मैं एक ये लेकर के आई हूँ ऑर्गेनिक शुगर, और साथ में ये घी लेकर के आई हूँ. ये A2 देसी काओ घी है जीविका का, बहुत एक्सपेंसिव आया भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आया ये, और अच्छा रहता है A2 खाने के लिए, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ. सो दाल बन के रेडी हो चुकी है, यहाँ पर हो रही है सब्जी, इधर हो रहे हैं चावल, और मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगा. विक्की मुझे बोलता है रोटी को रोटी क्यों बोलते हैं, मैंने बोला क्यों बोलते हैं, तो बोलता है क्योंकि वो रो रो के बनाते हैं. बड़ा पीजे आई नो, बट एक्चुअली मैं रोटी को रोटी क्यों बोलते हैं, रोटी बनाती हूँ मैं. और गर्मी तो बहुत लग रही है एक्चुअली ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है गर्मियों में रोटियाँ नहीं बनती है, चावल ही खाते हैं या मतलब ऐसा कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, बट हम लोग रोटी के बिना नहीं रह सकते, मतलब हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं. स्टिल मुझे ऐसा लगता है वो आधे घंटे का रोटी वाला पेन बनाने का इज मच बेटर देन दिन भर का. मुझे ना चिड़चिड़ होती है अगर मैं रोटी नहीं खाती हूँ तो इसलिए हम दोनों ही, विक्की को भी रोटी के बिना जमता नहीं है और मेरे को भी रोटी के बिना जमता नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग रोटी. और हाँ, मुझसे ना किसी ने पूछा था कि आप आटा खुद से क्यों गूंद रहे हो, लास्ट टू लास्ट किसी व्लॉग में आया था कमेंट कि आपके पास तो आटा मेकर है. यार आटा मेकर यहाँ से देखो, मैंने जूसर आटा मेकर सब गायब कर दिया है, सब ऊपर रख दिया है क्योंकि आना जाना हो रहा है, फिर उसमें ग्रीसिंग और वो सब गंदगी होती है, तो इसलिए. और आटा मेकर तब से ही है जब आप डेली रह रहे हो, आपको पता है खुद से बनाना है ये सारी चीज़ें, बट अभी इतना सा तो आटा गूंदना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको धोना फिर उसको जमाना वो ज़्यादा पेनफुल है. वैसे मैं करती थी आटा वाला गूंदती थी, बट अभी मैंने उसको ऊपर रख दिया, तो अभी कौन बार बार उसको निकाले और फिर उसको बहुत क्लीन करना पड़ता है क्योंकि डस्ट जम जाती है उसके अंदर. सो दैट्स व्हाई मैंने अपना जूसर और आटा मेकर दोनों ऊपर पहुँचा दिया, पैक कर दिया ऊपर. सो यस, रोटी बनाते हैं फिर आपसे मिलती हूँ. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. So I'm done with my cooking. You can see my sweating. It's टपक रही है मेरे को. सब कुछ बन गया है finally. इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है रोटी की जगह दो दिन चावल खा लेंगे भाई. गर्मी नहीं है एक्चुअली. अब बाहर देखोगे ना तो देर इज़ नो सनलाइट, मतलब कोई भी सनलाइट नहीं है. सो क्लाउडी, इसकी वजह से ह्यूमिड बहुत हो रहा है. सारे काम हो चुके हैं, विक्की ने लंच कर लिया है और विक्की जा रहा है ऑफिस, उसको छोड़ने जा रही हूँ मैं. तो विक्की को छोड़ते टाइम मेरे को मटका लेना था. हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, तो मैंने ये मटका लिया. बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसको भर के देखा तो ये मटका फूटा निकला था, जो अभी आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा. हेलो गाइस, शार वगैरह सब ले लिया है, फटाफट से लंच करती हूँ क्योंकि बहुत जम के भूख लगी है मुझे. तो मेरे लंच में आज है दाल है, सब्जी है, हरी धनिया की चटनी है, रोटी है और राइस है, और साथ में सैलेड है. हे गाइस, तो अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी, मैं नैप लिया है मस्त आधा पौन घंटा और अभी उठी हूँ मैं. तो फटाफट से दिन का अच्छा टाइम है, रोशनी बहुत अच्छी हो रही है रूम में, ये देखिए अभी मतलब मैं एसी चल रहा है तो इसलिए मैंने ये वाले कर्टन्स उठा दिए, एक और कर्टन्स लगे हुए हैं. एंड फटाफट से शूट करती हूँ, तो अभी मुझे शूट करना है. ये जो मैं ड्रेस पहनी हुई ना, ये मैंने मंगवा रखी है कुछ ड्रेसेस, देखिए ये रखी हुई है, तो इन सबको भी मैं जस्ट ट्राई कर करके देख रही थी कि कैसी लग रही है. इसमें एक ड्रेस तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट, एक सूट मंगवाया मैंने बहुत अमेजिंग है. तो अगर आपने हॉल नहीं देखा है, वैसे इस वीडियो से पहले मेरा वो वाला हॉल चला जाएगा अमेजन का, तो देखना ज़रूर. एंड फटाफट से शूट करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. एंड गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे और ये व्लॉग बस मैं आज ही चलाऊंगी, आज खत्म कर दूंगी. कल एक्चुअली कुछ किया नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है. एंड कल मैंने ना एक लिप बाम मंगवाया था, रैस लग्जरी ऑयल करके लिप बाम है, तो मैंने मिनीएचर्स मंगवाए ट्राई करने के लिए. दैट्स एन आयुर्वेदिक लिप बाम, क्योंकि ऑल्दो इट इज़ एक्सपेंसिव बट नॉट एक्सपेंसिव एज फॉरेस्ट एसेंशियल वन. फॉरेस्ट एसेंशियल वाला बहुत महंगा आता है, अभी वो 1000 रुपये का एक आता है
और वो चलता भी एक डेढ़ महीने, तो मैं थोड़ा सस्ता वर्जन ट्राई करके देखती हूँ, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो अभी मैंने वही लगाया हुआ है, लगाऊंगी देखूंगी थोड़ा दो तीन घंटे कितना चलता है कितना नहीं चलता है। एंड सुबह के वही काम स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने कल बोला था कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी बट यार ठीक है। ये मेरी बन रही है चावली की सब्ज़ी, यहाँ पर मैंने बॉईल कर दिया है एंड ये अनियंस हो रहे हैं, आटा गूंद के रख दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट ब्रेड वाला, और क्योंकि गर्मी है ना तो किचन में काम करते करते भूख भी बहुत तेज़ लगने लगती है, तो आज मैंने फ्रूट्स नहीं खाए, तो आज मैं अभी सैंडविच खाने वाली हूँ, तो फटाक से सैंडविच बनाते हैं, बहुत ईजी पीजी सा है। तो ये एकदम झटपट बनने वाला सैंडविच है, फटाक से मैंने बटर लगा दिया है आगे पीछे, ये मैंने पुदीना और कैरी की चटनी है जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बहुत क्विक बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। उसके ऊपर मैंने थोड़े से चॉप्ड अनियंस है जो सब्जी के लिए खाते थे वही डाल दिए, और यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर डाल दिया है, एक स्लाइस मैंने टमेटो का डाल दिया है, और यहाँ पर चीज़ डाल दिया है, दैट्स इट। और इसको ऊपर से यहाँ से पैक कर दिया है और अच्छे से सेक लिया है बटर में। So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Guys, I'm done with my cooking. और मेरा स्वेटिंग देखिए, पूरा मेरा चेहरा लाल हो गया है। खाना कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। मेरी ये चिमनी तो चल रही है, इसमें ना 3-in-1 है, मतलब आपके फेस पे भी हवा आती है, बट क्या है ये थोड़ी ऊपर लगी हुई है, या बोल लो मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो वो मेरे फेस पे हवा ना आके इधर हवा आती है, बट फिर भी मैं उसको चालू कर लेती हूँ। एंड एग्जॉस्ट मेरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला मेरा फ़ैन जो है ना, ये कम चलाती हूँ, स्लो चलाती हूँ, एक या दो पर चलाती हूँ, तब कर जाके मैं काम कर पाती हूँ, अदरवाइज़ भाई अपन से काम नहीं होता, हवा चाहिए होती है। और ये तो पूरा खुला रहता ही है ताकि हवा आए, और जब तक ये खुला रहता है तब तक मैं अपना जो मेन गेट है ना, ये मैं ये भी खुला रखती हूँ ताकि यहाँ से हवा आती रहे, यहाँ से तो हवा आती रहती है, ऐसा मतलब मुझे सब जगह से हवा चाहिए रहती है, तब जा करके मेरे से काम हो पाता है। विक्की को ड्रॉप करके आ गई हूँ, शाल वगैरह सब ले चुकी हूँ, और जो कल मैं मटका लेकर के आई थी ना, वो मटके में से पानी लीक हो रहा था, तो उसको मैंने चेंज भी कर दिया है, तो अभी मैं एक और लेकर के आई हूँ छोटू सा, ये है, दिस इज़ द मटका जो मैं अभी लेकर के आई हूँ। नाउ लेट्स सी, इसको पानी भर के रख के देखते हैं। तो यार जगह बहुत कम है तो मैंने इसको यहीं रख दिया इसलिए। तो कल एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।